बहुत शुक्रिया बलजीत जी। जहाँ तक किताब के आने का है, मुझे नहीं लगता था कि ये किताब अभी आने वाली थी। भाई पवन अरोड़ा जी का फोन आया कि किताब लाना है, मैं अपनी किताब ला रहा हूँ। तो हमारे बीच में केवीएस प्रकाशन जो है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम लोग ले आते हैं, आप लोग हमें अपनी सारी चीज़ें भेज दीजिए। इसी दौरान तय हुआ कि अंजू जी से बात की जाए और अंजू जी ने भी हाँ कह दिया और ये तीन लोगों की टिकड़ी आप लोगों को पिछले डेढ़ महीने से परेशान किए हुए हैं फेसबुक पर कि भाई कोई भूल मत जाना। और पवन ने मुझे डरा दिया, बोला कि किधर तुम्हारे पास तो भूत है, तुम भूत से डराओ नहीं तो लोग नहीं आएंगे। अब मुझे लगा कि भूत का डराना कामयाब हो गया। खैर ये तो हंसी मजाक की बात थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लघु कथा लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि तात्क्षणिक जो प्रतिक्रिया होती है उसको जितने कम से कम शब्दों में हम लोग बयान कर सकें। वैसे लोग बोलते हैं कि लघु कथा 1500 शब्दों की भी हो सकती है, मैं उस बात से कोई ये नहीं कहूँगा, लेकिन 2 लाइन की भी लघु कथा हो सकती है ये मैं समझ जाता हूँ। खैर क्योंकि हम लोग सभी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के अंग हैं, समाज से कभी हम अलग नहीं हो सकते। तो ये जो बात है दिमाग में कहीं ना कहीं कौनती रहती हैं। मैं भारतीय रेल के 25 डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है और कहा जाता है कि स्टोर जो है वो कालक की कोठरी होता है, उसके बीच में अपने आप को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होता है। हम लोग जो ईमानदार होते हैं बेईमानों के लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा कुटाई होती है, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि चला बेईमान आदमी के पास जाओगे काम हो जाएगा, लेकिन ईमानदार आदमी जो है ना वो कुत्ते की जिंदगी जीता है, क्योंकि हर आदमी जानता है उसके ऊपर उंगली उठा करके कि चला ये काम नहीं करेगा, खा के भी काम नहीं करेगा, बिना खाए भी काम नहीं करेगा। ये जब चीज़ें दिमाग के अंदर आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, घर परिवार की बातें निकलती हैं। खैर मैं आपको 2 बूढ़ों की बात जरूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है 10-15 साल के बाद मैं भी उस स्थिति में पहुँच जाऊँ, 50 तो मैंने छूना शुरू कर दिया है। दो दोस्त बात कर रहे हैं, आपकी तवज्जो चाहूँगा यार इस बात को, छुट्टियों में बच्चे आ रहे हैं ना, गोपाल ने पूछा। भाई साल भर से तो यही आस थी कि सूने बसेरे में कोई चहल पहल हो जाएगी इस बार, शायद यादों का सहारा ले कुछ सांस और मिल जाए इस अकेले जिंदगी को, लेकिन कल फोन आया था बच्चों को काम पसंद नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों को कोई सुधार नहीं कर सकता इस बार भी, और दोनों बुढ़े आंखों में आंसू भर आए खुद पर हंसते हुए, ये है बुढ़ापे की वजह। क्योंकि मेरे मन बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टरी को एक बहुत बड़ा पेशा माना जाता है, इज्जत बख्शी जाती है, बट एक घटना जो है वो मेरे किसी मित्र के साथ हुई और उस घटना पर मैंने एक कहानी लिखी थी, उसका शीर्षक रखा है क्लिनिकल हत्या। सिर्फ 2 मिनट दाखिल होगा। अरे डॉक्टर बनना भी कोई आसान काम है? दिन रात की मेहनत और पानी की तरह पैसा बहाना, भला हो समझी साहब का जो शादी के बाद भी इतनी मदद की अपनी बेटी की जिंदगी बनाने में। रीमा की सास बोली, अरे बहन तुमने कौन सा कम त्याग किया, सोने से लड़के को ये लंगड़ी लड़की दिला दी, वरना डॉक्टरों के लिए तो आजकल करोड़ों के रिश्ते आते हैं। पड़ोसन बोली, माँ ने भी हामी में सर हिलाया, बहन कहती तो सच हो पर अभी तो अस्पताल भी खोलना है और समझी साहब की मदद के बिना ये कैसे होगा, एक बार काम जम जाए तो करोड़ों का रिश्ता तुम ही ले आना, तुम्हारे लिए भी सोने के कंगन चैन पक्के। और दोनों के कहलाके गूंजने लगे, लेकिन रीमा को उसी समय से अपनी क्लिनिकल हत्या के बीच नजर आने लगे डॉक्टर पति के द्वारा। पर
आजकल लोग बोलते हैं सेकुलर, सेकुलर शब्द कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि क्यों सिर्फ हिंदुत्व क्यों ना हो। अरे भगवान से टूटो यार, अगर भगवान ने सारे एक ही रंग के फूल बनाने होते तो बाकी इतने सारे रंग बनाने की उसको जरूरत नहीं थी। जमीन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए, इस समाज को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जरूरी है असल सेकुलर बोलना कोई जरूरी नहीं है। आज अली साहब बैठे हैं, हाबिल साहब बैठे हैं, मुझे तो आज तक नहीं लगा कि मैं किसी दुकान पे जाके पूछता हूँ कि भैया मुझे मुसलमानी आटा दे देना, या मैं जाके बोलता हूँ कोई हिंदुस्तानी दाल दे देना। जब साला पेट सवाल नहीं करता, ये मुंह सवाल नहीं करता, पता नहीं आदमी कैसा करता है जब सवाल नहीं करता। बस एक छोटी सी रचना है जो इस कहानी की पहले ही रचना है। अब देखिएगा, मैं आपको छोटी सी जगह ले जा रहा हूँ। अक्सर लोगों की खबर सुनते रहते हैं, लेकिन दंगाई आदमी जो है वो किसी और की वजह से पागल होता है। मुझे लगता है कि कभी भी दंगाई आदमी अपने पड़ोसी को मारना नहीं चाहता, मगर उसकी सोच को कोई ना कोई ऐसी पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है, इतना ख़राब कर देता है कि वो अपने पड़ोसी जिसके साथ में वो रोज उठता बैठता है, दुआ सलाम करता है, उसके ऊपर हथियार उठाने को तैयार हो जाता है। खैर दो लाइन कि शहर में दंगा हुआ था, लोग बेतहाशा भाग रहे थे, एक औरत बलवाइयों के हाथे चल गई। एक बलवाई ने छुरा निकाला और उस पर हमला करने लगा। दूसरे ने कहा, देख तो ले ये कौन है, इसके पहनावे से तो कुछ नहीं पता चलता। तभी औरत ने कहा, मैं माँ हूँ। क्या बहुत शुक्रिया।